आपके स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हो गए हैं, आपके झाइयों के निशान पड़ गए हैं, या फिर आपके पिंपल्स के जो हैं निशान हैं आपके स्किन पे, जो कि रिमूव ही नहीं होते, आपने बहुत कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन जो ये बाहरी महंगे महंगे अगर हम क्रीम्स वगैरह भी यूज़ करते हैं तो उसका रिज़ल्ट समय जो है कुछ समय के लिए ही मिलता है और अगेन फिर ये हमारी समस्या शुरू हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं जो आपके लिए रेमेडी लेकर आई हूँ, ये घर पर ही आप रेडी कर लेंगे, बहुत ही ईजी रेमेडी है, हर कोई आसान से बना भी सकता है और यूज़ करना भी बहुत ही सिंपल है। तो इससे जो है आपको रिजल्ट्स तो इतने ऑसम मिलेंगे कि आप खुद कमेंट सेक्शन में आकर मुझे धन्यवाद देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ इंक्रीज ब्यूटी से ऋतु, आपका अपने चैनल इंक्रीज ब्यूटी पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आज का ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहेगा तो इसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आज जो मैं है आपके साथ दो रेमेडी शेयर करूँगी, तो आप इनमें से यदि एक को भी यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत ही गुड रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। खिचड़ी बनाने के लिए आपको ले लेनी होगी फ्रेश मलाई। जी हाँ, आपको फ्रेश मलाई लेनी है, स्टोर की हुई मलाई आपको नहीं लेनी है। और नेक्स्ट सेकंड इंग्रेडिएंट आपको ले लेना है आधा कटा हुआ नींबू। जी हाँ, और नींबू की जो है आपको कुछ ड्रॉप इसके अंदर ऐड करनी है और अच्छे से इसका जूस निकाल लीजिए। और अगर इसकी इसके अंदर आ भी जाते हैं तो आप स्पून की मदद से उसे निकाल भी सकते हैं बाहर, नहीं तो जो आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस समय उसको निकाल। और फ्रेंड्स, अब इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना। फ्रेंड्स, इस तरीके की आपकी जो ये रेमेडी है वो बनकर रेडी हो जाएगी, एकदम से क्रीमी फॉर्म में ये बनेगी। और अब इसे आपको अप्लाई कैसे करना है, आप जो है इसे 20 मिनट तक अपनी स्किन पर लगाइए और देन जो है सूखने के बाद अच्छे से मसाज कर लीजिए और फिर जो है पानी से अपना फेस वॉश कर लीजिए। ऐसा कंटिन्यू करने पर आपको बहुत ही गुड रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके जो फेस के दाग धब्बे हैं, झाइयों के मार्क हैं, वो सारे निकल जाएंगे। और आप इसे डेली रात में भी फॉलो कर सकते हैं, रात को आप यूं ही लगा करके सो जाएंगे और नेक्स्ट डे आपको फेस वॉश करना है तो बहुत ही गुड रिजल्ट्स आपको ये रेमेडी। नेक्स्ट रेमेडी के लिए आपको ले लेना होगा ताज़ा आलू, कच्चा आलू ले लेना है आपको, उसको ग्रेट करके उसका जूस निकाल लीजिए। तो मैंने पहले से ही जूस रेडी किया हुआ है, तो इस तरीके से आप जूस निकाल लेंगे आलू का। तो मैं थोड़ी क्वांटिटी में बनाकर बता रही हूँ, आप जो है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से बना लीजिए। और इस रेमेडी को आपको ताज़ा ही बनाना है, स्टोर करके बिल्कुल से नहीं रखना है। और अगला जो जादुई इंग्रेडिएंट इसके अंदर हम ऐड करेंगे वो है हनी, यानी कि शहद। तो आपको इसके अंदर शहद ऐड करना है और इसकी जो है क्वांटिटी आप हाफ रख लीजिए। अगर आपने एक स्पून आलू के रस का लिया है तो हाफ स्पून आप जो है शहद का ले लीजिए। तो मैंने जस्ट छोटा स्पून ही लिया है रस का और मैं इसके अंदर हाफ स्पून के करीब हनी ऐड कर रही हूँ। एंड अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी रेमेडी बनकर तैयार हो गई है। अब इसको आपको अप्लाई कैसे, आधा घंटा के लिए अपनी स्किन के ऊपर लगा कर रखेंगे। वैसे भी ये जब आप अपनी स्किन के ऊपर लगाएंगे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी, घर के काम करते हुए या जो भी ऑफिस वर्क आप कर रहे हैं घर में ऑनलाइन, तो उस समय आप इसे लगा लीजिए और आधे घंटे के बाद आप जो है नॉर्मल वाटर से इसे वॉश कर लेंगे। ऐसा कंटिन्यू करने पर आपको बहुत ही गुड रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो मैंने आपको आज दो रेमेडी शेयर की हैं, आप इन दोनों में से कोई भी एक फॉलो कर सकते हैं जो आपको इजी लगे या जो इंग्रेडिएंट आपके पास हो आप वो वाली रेमेडी यूज़ कर लीजिए। तो जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वो फीडबैक में मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी इसके रिजल्ट्स मिल सकें, और लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर माय लवली व्यूअर्स।